को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। सब्जी उधार नहीं देने पर व्यक्ति की डंडे मारकर की थी हत्या, आरोपी हीराटोला निवासी को आजीवन कारावास की सजा। हट्टा थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम कुंडे के हीराटोला में सब्जी उधारी में नहीं देने पर सब्जी विक्रेता राजेंद्र हिरवाने की हत्या करने के आरोप में इसी ग्राम के व्यक्ति राजू उर्फ राजेंद्र पिता जवाहरलाल कीर्ति उम्र 37 वर्ष को आजीवन कारावास की सजा न्यायालय ने सुनाई है। सजा विद्वान सत्र न्यायाधीश दिनेश चंद्र थपियाल की अदालत ने सुनाई। विद्वान अदालत ने इस आरोपी को आजीवन कारावास के अलावा 3,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन के अनुसार 21 फरवरी 2021 को राजेंद्र हिरवाने सब्जी बेचते हुए ग्राम हीराटोला कुंडे में सब्जी बेचते हुए राजू केकती के घर के सामने पहुंचा। उसी समय राजू केकती सब्जी खरीदने आया और राजेंद्र हिरवाने से सब्जी लिया। राजेंद्र हिरवाने के द्वारा पैसे मांगने पर राजू केकती ने कहा कि अभी पैसा नहीं है, बाद में लेना। इसी बात को लेकर विवाद हो गया और राजू केकती ने राजेंद्र हिरवाने पर डंडे से मारपीट कर उसे घायल कर दिया, जहां इलाज के दौरान अस्पताल में ले जाया गया, जहां बालाघाट अस्पताल में उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। इधर हट्टा पुलिस ने धारा 294, 323, 506 भादवी के तहत अपराध दर्ज कर मर्ग जांच उपरांत धारा 302 भादवी का इजाफा किया गया और आरोपी राजू केकती को गिरफ्तार किया गया, जहाँ उसे अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया था। वहीं आरोपी के विरुद्ध आरोपित अपराध सिद्ध होने पर न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास और 3,000 रुपए से अर्थदंड से दंडित किया है। इस फैसले में शासन की ओर से लोक अभियोजन MM द्विवेदी द्वारा पेशी की गई थी। आप देख रहे हैं बालाघाट खबर।